Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying. Hi everyone, it's Sandhya and welcome back to my channel and welcome back to another video. So in today's video, I'm going to share with you all guys how you can give your life a makeover. So without wasting any more time, let's just begin with this video. ओके सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर हेयर. सो मैं ऑलरेडी बहुत ही सारे हेयर मास्क और यू नो हेयर रिलेटेड थिंग्स शेयर करती रहती हूँ. सो आई थॉट कि चलो मैं कुछ यूनिक आपको बताती हूँ. सो व्हाट आई लाइक टू डू इज़ दैट, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला सीज़न हो रखा है तो मेरे हेयर बहुत ही स्वेटी हो जाता है. यू नो अगर मैं ब्रेड करती हूँ तो उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा लाइक हेयर स्वेटी हो जाते हैं, जिससे इचनेस भी होती है. सो वॉट आई लाइक टू डू इज़ दैट कि जब भी मैं घर आती हूँ, आई जस्ट लाइक टू कॉम माई हेयर थॉरली एंड आफ्टर दैट मैं अपने हेयर को ओपन करके एंड लाइक पार्टीशन करके पीछे से, सो दैट पीछे अच्छे से हवा पास हो. एंड देन आप अपना लाइक फ़ैन या कूलर या एसी कुछ भी ऑन करके आप बैठ सकते हो थोड़ी देर हेयर ओपन करके. इससे क्या होता है कि आपके हेयर का जितना भी स्वेट है वो अच्छे से सूख जाएगा. आपके हेयर को बहुत ही लाइक ऑफन वॉश नहीं करना पड़ेगा एंड इससे आपके हेयर भी काफ़ी अच्छे रहेंगे. नेक्स्ट इज़ टू डू अ वीकली क्लीन अप. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप अपने सराउंडिंग को कैसा रखते हो उससे आप पर बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. सो अगर आप अपने सराउंडिंग को क्लीन रखोगे तो आप पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एंड अगर आप डर्टी रखोगे तो आपका उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ योर थिंग्स. ओके सो दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट कि ठीक है अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में हम इसे कर लेंगे. क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे ना तो वो बाद में भी आपको बहुत ही आलस फील होगा. सो डू एवरीथिंग नाउ. लाइक अगर आपने कोई चीज़ यूज़ की है उसको आप तुरंत उसकी जगह पर रख दो, क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे तो वो सामान फैलते रहेगा एंड देन बहुत सारा हो जाता है और फिर उसे करने का मन नहीं करता. सो डू एवरीथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम एंड सब कुछ जहाँ से आप लो वहीं पर रखो. इवन आप उसको और अच्छे से क्लीन करके रख दो इंस्टेंटली, तो इससे काफ़ी आपको अच्छा फील होगा क्योंकि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं होगा बाद में करने के लिए. नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस. सो आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ एंड आई डू पार्ट टाइम यूट्यूब. सो आई लाइक माई वर्क स्पेस इज़ माई रूम ओनली. सो आई लाइक टू क्लीन एवरी थिंग, जो भी डेकोर पीसेज है उन सबको अच्छे से लाइक क्लीन करके रखना, सो दैट उन पर कहीं पर भी डर्ट ना हो, धूल ना हो. एंड सिमिलरली आई एम गोइंग टू डू विथ माई डेस्क, जिस पर मैं बहुत ही लाइक रैंडम चीज़ें ला के रख देती हूँ जो भी मैं यूज़ करती हूँ. सो लाइक एवरी हेयर नाउ मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पाइल अप हो जाता है तो अगेन बहुत ही आलस लगता है काम करने में. सो या सिंस योर वार्डरोब इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स इन योर रूम, यू शुड मेक श्योर दैट इट इज़ ऑलवेज केप्ट क्लीन. सो होता क्या ना, आई हैव टू गेट रेडी एवरी सिंगल डे टू गो आउट. सो लाइक मेरे जो क्लोथ्स होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं एंड देन यू नो सब ख़राब हो जाते हैं. एंड मैंने आयरन करके रखती हूँ, स्टिल कहीं कहीं होता है कि कोई कोई कपड़े वापस से आयरन करने लायक हो जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डे लेकर के एंड देन जो भी क्लोथ्स धोने लायक हैं उन्हें वॉशिंग मशीन में थ्रो कर दो, देन जिन्हें आयरन करना है आप उन्हें आयरन करके रख दो. एंड इससे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ पे पड़ता है, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे जो भी पहनना है वो आपके वार्डरोब में ऑलरेडी क्लीन और आयरन होकर के रखा हुआ है. सो आपका एक काम लाइक अगले दिन के लिए माइनस हो जाता है कि सोचना कि अरे मुझे ये पहनना था बट ये तो क्लीन नहीं है या आयरन नहीं है. सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू. सो नेक्स्ट इज़ टू गेट अ हेयर कट और ट्रिम योर हेयर. ना आई फील लाइक अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाना है, एवरी थिंग बिगेंस विद अ हेयर कट. आई डोंट नो, इट जस्ट फील्स लाइक दैट वे. सो वॉट आई लाइक टू डू इज़ दैट कि मैं बहुत ही रेयरली होता है कि मैं पार्लर में जाती हूँ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर 6 मंथ में अपने हेयर को ट्रिम कराओ, जिससे आपके हेयर हेल्दी रहें. सो आई जस्ट लाइक टू डू इट बाय माई सेल्फ. सो मैं अपने बैंग्स हो गया एंड देन ये सारी चीज़ें खुद से कट करती हूँ एंड समटाइम्स आई पोस्ट ऑन इंस्टा एज वेल जब भी मैं अपना न्यू हेयर कट खुद से करती हूँ. सो डू फॉलो मी देयर इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. सो कई बार ऐसा होता है कि आप नेल पेंट अप्लाई करते हो एंड 15 to 20 days, 1 महीने तक वो वैसे ही लगी रहती है, बट आई थिंक दैट इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर योर नेल्स. सो व्हाट आई लाइक टू डू इज़ दैट कि वीकली मैं अपने नेल्स को अच्छे से वापस से क्लीन करके एंड देन दोबारा से नेल पेंट लगाती हूँ. इससे नेल्स अच्छे भी लगते हैं एंड हेल्दी भी रहते हैं.
Okay guys, so these were very random things that I took from every corner to show you guys how you can give your life a makeover. Do let me know in the comment section if you enjoyed watching this. I will definitely make a part 2 of this one. So I really hope you enjoyed watching this. Do like this video, leave a comment and subscribe to my channel. And I'll see you guys in my next video. Bye bye.